सब्सक्राइब करें रोबोटिक्स को और बेल आइकन को दबाइए रियल टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसमें 9 बोल्ट हमने दे दिया है और इसमें भी हमने एक्स्ट्रा 12 बोल्ट दिया है, क्योंकि जो रिले है वो 12 बोल्ट के बिना नहीं चलता है। तो रिले के माध्यम से हमने ये जो पंप हमने लगाया है, इसमें देखिएगा यहाँ से पानी आएगा, तो जब भी इसमें फोन आएगा। तो अभी इसमें फोन करते हैं, तो अभी इसमें फोन कर रहे हैं। देखिए इसमें से पानी आ रहा है, तो हमने इसमें मिस कॉल दे दिया है। फिर से कॉल करेंगे तो ये पानी बंद हो जाएगा। फिर से फोन आएगा तो पानी बंद हो जाएगा। देखिए पानी बंद हो गया है, जब कॉल आया है तो पानी बंद हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट लाए हैं, वो है आप घर बैठे या फिर कोई भी बैठकर आप अपने फोन से, ये स्मार्टफोन होने की जरूरत नहीं, कोई भी फोन से आप फोन करके आपका जो वाटर पंप है या फिर कुछ भी आप लगा लेंगे इस सर्किट में तो वो स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, एक कॉल से वो स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर से अगर इसमें कॉल करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो एक कॉल से ये स्टार्ट होगा और एक कॉल से ये बंद होगा। तो ऐसा सर्किट आज हमने बनाया है, तो चलिए देखते हैं ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए वीडियो। मैं हूं कांति और रोबोटिक्स में आपका स्वागत है। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, इससे हम लोग ये अभी अभी जो देखा है वो बनाएंगे। तो इसमें देखिए दो एलईडी है, तो इसका मतलब है दो एलईडी कैसे ग्लो कर रहे हैं एक ही बटन से। तो देखिए एक ही बटन से मैं इसको ग्लो करूँगा, तो ये सिर्फ पुश बटन है, ठीक है, यानी कि पुश करेंगे तो ही कनेक्ट होगा, उसके बाद छोड़ देंगे तो ये कनेक्ट छूट जाएगा। तो अभी इसमें हम वोल्टेज देते हैं, इसमें हम लोग करीबन 9 बोल्ट दे देंगे इसमें। तो ये 9 बोल्ट आ गया है, तो अभी इस पुश बटन में जब भी पुश करेंगे तो देखिए आ गया, तो ये इसमें पुश करने से ये एलईडी उसमें आ जाएगा, एक एलईडी बंद होगा और दूसरा ऑन हो जाएगा। देखिए फिर से पुश करेंगे तो फिर से ये बंद होके वो ऑन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ऐसे ही काम करते हैं। तो इसमें खासियत क्या है, जो एक एलईडी है उसको हम लोग इससे खोल देंगे और पुश बटन में और एक एम्पलीफायर के माध्यम से हम लोग मोबाइल के कनेक्शन करेंगे। तो अभी इसका जो एलईडी, एक एलईडी है, इसको खोल देते हैं। तो इसको खोल दिया हमने, तो अभी देखिए बंद हो गया, फिर से पुश करेंगे तो ऑन हो जाएगा, मतलब ये पुश करने से ऑन ऑफ अभी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पुश बटन है इसके माध्यम से यहाँ से हम लोग एक कनेक्शन लेंगे, लेके और एक एम्पलीफायर बनाएंगे इसी प्रोजेक्ट बोर्ड में बना के, उससे हम लोग इनपुट लेंगे मोबाइल से। तो जब भी मोबाइल पे कॉल आएगा तो ये ऑन ऑफ होता रहेगा, एक बार कॉल आएगा तो ऑन होगा, दूसरी बार कॉल आएगा तो ऑफ होगा, लेकिन ये जब ऑफ होगा तो ऑफ ही रहेगा, जब ऑन होगा तो ऑन ही रहेगा। तो चलिए फाइनल प्रोजेक्ट देखते हैं अभी। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली हमने बनाया है, ये जो पंप है वाटर पंप, उसको फ़ोन के ज़रिए कॉल करेंगे तो मोटर पंप स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से कॉल करेंगे तो मोटर पंप फिर से बंद हो जाएगा। तो आप इस ये कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से होते हैं। अगर आप इसमें से मैसेज करेंगे तो भी स्टार्ट होगा, फिर से मैसेज करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मोटर के जो सिम है, जो मोबाइल लगाएंगे इसमें, उस पर सारे कॉल को ब्लॉक करना पड़ेगा, सिर्फ एक कॉल को इस पर इनकमिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई फ़ोन आएगा तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सारे कॉल को ब्लॉक करना होगा, सिर्फ एक ही नंबर को इसमें ऑन रखेंगे जिससे आप फ़ोन करेंगे। तो ये देखते हैं एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। तो इसमें हमने पावर दे दिया है, तो ये देखिए ऑडियो जैक, तो ये मोबाइल पे लगेगा, हेडफोन के जैक पे लगेगा। तो इसमें हमने 9 बोल्ट दे दिया है, तो इसमें जब भी टच करेंगे, एक बार टच करेंगे तो ये बंद होगा, फिर से टच करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करने से बंद हो गया है,
फिर से टच करेंगे तो ये स्टार्ट होगा, फिर से टच करेंगे तो ये बंद होगा, फिर से टच करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो इसमें अगर मोबाइल लगा के आपको दिखाएंगे, मोटर छोटा एक मोटर लगा देंगे जिससे पानी निकलेगा। तो आइए शुरू करते। तो अभी देखिए हमने 9 वोल्ट से ये सर्किट के साथ ये मोबाइल कनेक्ट किया है। तो जब भी इसमें हम फ़ोन करेंगे, एक फ़ोन के बाद ये एलईडी ग्लो करेगा, उसके बाद दूसरा कॉल आएगा, आने के बाद ये एलईडी फिर से बंद हो जाएगा। यानी कि इस एलईडी के माध्यम से आप लोग कोई मोटर या कुछ भी आप चला सकते हैं। तो अभी इस पर फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन करने के बाद ये एलईडी ग्लो करेगा। तो अभी देखिए फ़ोन कर रहा हूँ। तो देखिए फ़ोन जब आया है तो ये एलईडी ग्लो कर दिया। तो अभी इसमें फिर से फ़ोन आएगा, आने के बाद ये एलईडी बंद हो जाएगी। यानी कि अभी मोटर चालू है, मान लीजिए मैं मोटर लगा के दिखाऊंगा। तो अभी देखिए फिर से इसमें कॉल आएगा तो ये एलईडी बंद हो जाएगा। तो देखा आपने, बंद हो गया अभी। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो जब भी ये फ़ोन आएगा इसमें तो ये बंद हो जाएगा, फिर से फ़ोन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इससे आप दूर दूर तक कोई भी चीज़ चला सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। तो अभी इसमें मोटर लगा के दिखाएंगे, मोटर घूमेगा। तो आइए। तो अभी देखिए सब कुछ सेट हो गया है। इसमें 9 वोल्ट हमने दे दिया है और इसमें भी हमने एक्स्ट्रा 12 वोल्ट दिया है, क्योंकि जो रिले है वो 12 वोल्ट के बिना नहीं चलता है। तो रिले के माध्यम से हमने ये जो पंप हमने लगाया है, इसमें देखिएगा यहाँ से पानी आएगा। तो जब भी इसमें फ़ोन आएगा, तो अभी इसमें फ़ोन करते हैं। तो अभी इसमें फ़ोन कर रहे हैं। देखिए इसमें से पानी आ रहा है, तो हमने इसमें मिस कॉल दे दिया है। फिर से कॉल करेंगे तो ये पानी बंद हो जाएगा। फिर से फोन आएगा तो पानी बंद हो जाएगा। देखिए पानी बंद हो गया है, जब कॉल आया है तो पानी बंद हो गया। तो ये सर्किट ऐसे ही काम करते हैं। तो अगर इस सर्किट के डायग्राम का आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखना होगा कि इसके डायग्राम किस किस को चाहिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे आप बढ़िया एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अभी अभी जो आपने वीडियो देखा है, तो वो सर्किट अगर आपको बनाना है तो आप मेरे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं किस किस को ये सर्किट चाहिए। और एक बात, इस वीडियो क्वालिटी के लिए, क्योंकि हाल ही में मेरा कैमरा ख़राब हो गया है, तो अभी मैं अपने स्मार्टफोन से कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो के लिए सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों के पास जाएगा। तो जाने के बाद सभी को ये देखने का मौका मिलेगा, इससे हमें भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। तो अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को बोल रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने से जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।